Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to discuss the best way to make notes from Yojana Magazine for UPSC CSE. If you are one of those students who study Yojana Magazine from the perspective of mains, then this session is very, very important for all of you. Now let us understand how we can make notes from Yojana Magazine, how we can make the best use of the Yojana Magazine. When we talk about Yojana Magazine, it is important for mains GS paper 2, GS paper 3. For GS paper 2 and 3, it's very, very important, as well as for GS paper 4 also, right? 90% GS paper 2 and GS paper 3 and 100% for GS paper 4, because the case studies which are there in Yojana Magazine are helpful for your GS paper 4. तो योजना मैगजीन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको योजना मैगजीन के यूजफुलनेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि कहां ये मैगजीन आपको काम में आएगी. जीएस पेपर 2 में काम आएगी गवर्नेंस पॉलिटी, जीएस पेपर 3 में काम आएगी और जीएस पेपर 4 केस स्टडीज में भी काम आएगी. सो लेट अस अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ दिस मैगजीन एंड हाउ टू मेक नोट्स आउट ऑफ दिस मैगजीन. नाउ व्हेन यू स्टडी योजना, फॉर हाउ मेनी टाइम मंथ्स यू हैव टू स्टडी योजना, राइट? यू कैन नॉट इग्नोर इट. If you know, this is not mandatory to read Yojana. Aisa nahi hai ki hard and fast rule hai, Yojana padhni hai. If you don't want to read it, it's okay. You can stick to the newspaper and the current affairs sources like Insights and other websites also. It's not compulsory. But if you are having Yojana magazine, if you read it, then I'm just going to tell you the strategy of how to correctly make notes out of it. Aisa koi zaruri nahi hai ki aap Yojana magazine padho. But agar aap Yojana magazine padh rahe ho, aapke paas hai Yojana magazine, to aapko main strategy bataungi जिसको फॉलो करके आप योजना मैगजीन को अच्छे से पढ़ सकते हो, उसका यूज अच्छे से कर सकते हो, नोट्स अच्छे से स्ट्रैटेजिकली बना सकते हो. ओके, सो थिंग्स टू बी कीप इन माइंड व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स फ्रॉम द योजना मैगजीन. रीड योजना एडिशंस ऑफ वन ईयर प्रीवियस टू द मेंस. आपका मेंस जब है ना, उससे एक साल पहले की जो योजना मैगजीन है वो आपको पढ़नी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2020, अगर आप मेंस 2020 के लिए तैयारी कर रहे हो, देन यू हैव टू रेफर टू योजना फ्रॉम सेप्टेम्बर 2019 टू सेप्टेम्बर 2020. ओके, सो अगर 2020 के मेंस के लिए तैयारी हो रही है तो सेप्टेम्बर 2019 से सेप्टेम्बर 2020 की योजना पढ़नी पड़ेगी. It is important for mains and interview preparation only. It is not important for prelims. ये prelims के लिए important नहीं है. अगर आप चाहो तो सिर्फ interview से पहले भी योजना पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है mains में ही पढ़ो. If you want, you can study योजना before your interview also. It is not very compulsory for mains. Mostly योजना is helpful for GS paper 2, 3 and SA paper. The objective is to gain analytical understanding. अब योजना magazine में ना मतलब biased articles नहीं होते हैं, बिल्कुल neutral articles होते हैं, unbiased आर्टिकल्स होते हैं. तो इससे क्या होता है, आप एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे. योजना मैगजीन हैज न्यूट्रल आर्टिकल्स, दैट मींस नोबडी इज यू नो टेकिंग साइड्स इन दिस मैगजीन. द आर्टिकल्स व्हिच आर पब्लिश्ड आर नॉट इन फेवर ऑफ एनी वन पार्टी, दे आर न्यूट्रल. ओके, सो यू हैव टू स्टडी योजना फॉर डेवलपिंग योर एनालिटिकल स्किल्स. अपनी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप योजना मैगजीन पढ़ते हो, ठीक है? टू गेन ग्रेटर इनसाइट्स इन टू दी you know surroundings into what is happening. कोई बिल पास हुआ, कोई एक्ट पास हुआ, तो आप योजना मैगजीन पढ़ते हो अपनी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए, राइट? टू गेन ग्रेटर इनसाइट्स इनटू द आर्टिकल्स. नाउ फॉर एग्जांपल, दिस इज द यू नो इंडेक्स, द कंटेंट्स ऑफ योजना मैगजीन. ये योजना मैगजीन है, मैंने बुकलेट का स्क्रीनशॉट लिया है, अप्रैल 2015 का स्क्रीनशॉट है. सो हियर यू कैन सी यू हैव टू फर्स्ट फिल्टर द टॉपिक्स विच यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. जब आप कॉन्टेंट देखते हो ना योजना मैगजीन का, आपको सबसे पहले सिलेबस के हिसाब से फिल्टर करना पड़ेगा. नाउ देर आर आर्टिकल्स विच आर रिपीटिंग ऑल्सो. कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं अलग अलग ऑथर्स ने रिपीट किए हैं, तो आपको कोई एक ही आर्टिकल पढ़ना है. एवरी ऑथर इज गुड इन योजना, सो यू कैन पिकअप एनी वन. ओके, अमंग द रिपीटेड आर्टिकल्स, देन From the content, select those topics which you have read in news. Content में से वही topic उठाओ जो कि आपने news में, current affairs में पढ़ी हैं, okay? And which is important for your exam. In each of the articles you select, look for the subheadings. Under each subheading, there is a core idea. For example, here unemployment scenario, manufacturing sector focus, health of Indian manufacturing, right? So pick the service led growth. So pick up these headings and under these headings you have to find out the core idea of these headings. आपको इस तरीके से पढ़ के analyze करना है, and then you have to make notes in your own words. Do not copy each and every sentence. Just in short,
10 to 15 lines, summarize the article. 10-15 lines या 20 lines में आप summarize कर दो पूरा article. Right? For example, this was the article, credible employment data, need of the hour. So you have to divide the article into different categories. Introduction, credible employment data, unorganized sector, self-employment. These were the headings in Yojana. ये जो है ना पूरा ये जो चार parts मैंने divide किया है, तो ये आपका heading था Yojana में. Introduction, credible. This was the heading in the headings in the article. So you have to divide these headings and summarize each heading in 4 points. चार points में हर एक heading को summarize करना है आपको. Get questions from previous year question paper also. For example, employment question came in prelims. Prelims में question आया था employment से related, नीति आयोग से related. Okay, this is how you can make notes. इस तरीके से आप notes बना सकते हो. देखो, in how many in you know one page I have summarized the entire Yojana. एक page में पूरी योजना को पूरे sorry the entire article. एक article में student ने पूरे you know एक article को एक page में student ने summarize कर दिया. The student summarized one article in just a page, right? So you have to, you know, summarize the article into one page like this. इस तरीके से through flowchart. She also made flowchart over here. इस तरीके से flowchart बनाया. She also wrote in point format. So this is how you have to make notes. इस तरीके से आपको notes बनाने हैं. In one page you have to summarize the entire article. Why? How it can be possible? It can be done by first reading the article, marking in the article itself what is important, what is not, and then by understanding, analyzing, shortlisting the points which are important. अब आप ऐसे notes कैसे बना सकते हो? पहले आप पढ़ो articles, ठीक है? Articles को पढ़ने के बाद आपको analyze करना है. Analyze करने के बाद, समझने के बाद ही आपको फिर notes बनाने. एक बार समझ आ जाएगा तो short notes बनाना easy हो जाएगा. Once you understand, making short notes becomes very easy. This is how you can make diagrams or charts or mind maps also by after reading the articles. इस तरीके से आप mind maps, charts और diagrams बना सकते हो, right? Like this you can make tables also, right? इस तरीके से आप tables भी बना सकते हो. You can summarize the article in table format also. So this is how you have to study Yojana and make notes out of it. Thank you.